हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्विंस को नॉर्मली ही संभालना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद में फिर वैक्सीन लगने के बाद में तो और ज्यादा भी मुश्किल हो जाता है। ट्विंस होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक बच्चे को वैक्सीन पहले लगवा रही हैं एंड एक बच्चे को बाद में लगवाएं। आप जब वैक्सीन लगवाने जाएंगी तो हो सकता है आपसे बोला जाए एक की आप आज लगवा लें एंड एक की बाद में लगवाएं, बट आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि देखिए ट्विंस है तो परेशानी तो होनी है। अगर आप ये सोच रही हैं कि आप एक की पहले लगवा लेंगी तो आपको आराम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपसे उतनी ही ड्यूटी पड़ेगी जितनी की सिंगल बच्चे की आप लगवा रही हैं या फिर आप डबल की लगवाएं। देखिए वैक्सीन का एक फिक्स टाइम होता है, अगर आप उस वैक्सीन का टाइम निकल जाने के बाद में लगवाती हैं तो उसका उतना ज्यादा महत्व नहीं रहता है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। मैंने भी दोनों बच्चों की एक साथ ही लगवाई थी। एंड अब हम आपको बता दें कि जब आप ट्विंस के वैक्सीन लगवाएंगी तो वैक्सीन लगवाने के बाद में 2 से 3 घंटे बच्चे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही 2 से 3 घंटे के बाद में उनको फीवर आना स्टार्ट होता है फिर आपको वो बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। देखिए होता क्या है कि बच्चों को जब फीवर आता है तो बच्चों को सिर्फ 2 चीजें अच्छी लगती हैं। सबसे पहली बात वो है उनको हर समय गोदी में रहना है, एंड दूसरी बात आप उनको टाइम से फीड कराते रहिए, स्पेशली जब उनकी तबीयत खराब हो या फिर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप सुबह बच्चे की वैक्सीन लगवाने जाएं तो आप घर का सारा काम निपटा के ही जाएं। आप ये बिल्कुल ना सोचे कि बाद में आके करना है। आपका जो भी जरूरी काम है, जैसे अगर आपके कोई हेल्प कराने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर बिल्कुल अकेले हैं तो आप घर का सुबह जल्दी उठिए एंड जल्दी उठ के आपको झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना जो भी है आपका मेन फटाफट से कर लीजिए, और उसके बाद में आप ट्विंस को नहला जरूर दें क्योंकि वैक्सीन लगने के 2 से 3 दिन तक बच्चे नहीं नहा पाते हैं बिकॉज सूजन वगैरह भी आती है एंड उनके दर्द भी होता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, और खाना वगैरह आप इतना प्रॉपर बना लें कि आपका जो है शाम के लिए भी हो जाए, आपको बाद में ना बनाना पड़े। एंड दूसरी बात कि अगर आपकी सासू माँ वगैरह है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है आप बिल्कुल अकेले रहते हैं तो आप उस दिन अपने हस्बैंड को जरूर रोक लें, या फिर आप जो है बच्चों को वैक्सीन लगवाने के 2 से 3 घंटे के बाद में बुला लें। क्योंकि देखिए जब बच्चों को बुखार आएगा तो बच्चे दोनों ही एक साथ बहुत ज्यादा रोएंगे, थोड़ा बहुत नहीं रोते बहुत ज्यादा रोने वाले हैं, एंड दोनों को ही आपको एक साथ गोदी लेना पड़ेगा क्योंकि जो फीवर होता है वो बहुत तेजी से आता है। और जब आप वैक्सीन लगवा के घर पे वापस आए हैं तो अगर आपका सुबह का कोई भी काम रह जाता है तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि जब तक बच्चे सोते हैं तब तक आप फटाफट से वो सारा काम खत्म कर लें, क्योंकि आपको शुरुआत के 24 घंटे तक बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री रहना ही पड़ेगा। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। एंड इसके अलावा जब आप वहां पे वैक्सीन लगवाएं तो बच्चों को जो फीवर वगैरह की दवा दी जाती है आप उसको जरूर लें एंड बच्चों को टाइम से जरूर खिलाएं, और उसके बाद में जहां पे भी वैक्सीन लगती है तो बच्चों के वहां पे सूजन आ जाती है तो वो जो आपको या फिर बर्फ से सिकाई करने के लिए बोलेंगी या फिर आपको विक्स लगाने के लिए बोलेंगी, तो आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें क्योंकि अगर आप करती हैं तो बच्चों के गांठ पड़ जाती है एंड उसके बाद में फिर वो और ज्यादा आपको परेशान करेंगे। तो आप इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें, और शुरुआत के जो है 24 घंटे बच्चे बहुत ज्यादा ही परेशान करते हैं, फिर उसके बाद में बच्चे इतना ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। जब आप वैक्सीन लगवा के आती हैं तो आप अगर आपने कुछ भी नहीं खाया पिया है तो फटाफट से खा लें, क्योंकि अगर आप खाली पेट रहती हैं तो आपको और ज्यादा गुस्सा आएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, एंड हो सकता है कि उस दिन बच्चे पतली पोटी भी कर दें क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसमें बिल्कुल भी चिंता ना करें। क्योंकि होता क्या है कि ये पहली वैक्सीन होती है बच्चे की तो बच्चे बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं। और आप ये कोशिश जरूर करें कि जिस दिन आप वैक्सीन लगवा रही हैं उस दिन एक लोगों की जरूरत जरूर पड़ती है, नहीं अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको अकेले ही गोदी लेना पड़ेगा, और अकेले बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हाथ भी दर्द होने लगते हैं और दोनों को एक साथ लेना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि कोई ना कोई उस दिन आपके पास जरूर रहे तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि बच्चों को अगर आप गोदी से उतार देंगी तो बच्चे उतना ही ज्यादा रोएंगे उतना ही ज्यादा परेशान करेंगे, इसलिए उनको गोदी में आपको रखना ही पड़ेगा एंड आपको पूरी रात भी जगना पड़ सकता है। और दोनों की अगर आप एक साथ लगवाती हैं तो इससे आपको ये फायदा रहेगा कि आपको जो भी दिक्कत होगी वो एक बार में ही हो जाएगी, और आपको वैक्सीन लगने के बाद में बच्चों को डायपर में ही रखना है ताकि उनको बार बार डिस्टर्ब ना करना पड़े और वो आराम से सोते रहें। बच्चों को पहली बार में 4-4 टीके एक साथ लगाए जाते हैं, 2 शोल्डर पर एंड 2 पैरों पर, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और इसलिए आपको भी पहली बार में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है एंड उसके बाद में बच्चों के एक एक ही टीका लगता है।
तो वो इतना ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। और आप एक बार ध्यान रखिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप बच्चे को नहलाने की जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। एंड आप एक काम कर सकती हैं कि जब बच्चे को थोड़ा रिलैक्स मिल जाए और आप पैरों के ऊपर बिल्कुल भी मालिश ना करें, एंड आप जहां पे वैक्सीन नहीं लगती है पैरों के नीचे साइड आप हल्के हल्के हाथों से मालिश जरूर कर दें, बट याद रखें बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चे की स्किन खिंचेगी एंड उसके दर्द होगा। और आप बच्चों के पेट पर एंड उनके हाथों पे नीचे की साइड शोल्डर को बिल्कुल भी टच ना करें, एंड उसकी पीठ पर थोड़ा हल्के हल्के हाथों से मालिश कर दें। इससे बच्चों को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा एंड बच्चे फिर से सोते रहेंगे क्योंकि उनको नहला भी नहीं पाते हैं और आप उनको मालिश भी नहीं देती हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं। बट याद रखें बिल्कुल हल्के हाथों से देना है, रगड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ट्वींस होने की वजह से आपको दिक्कत तो होगी, बट आप अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स जरूर मिलेगा। एंड उसके बाद में जो वैक्सीन लगती है, किसी में बुखार आता है किसी में नहीं भी आता है, किसी किसी में सूजन और दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है, आगे फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।